हाथ पकड़िए, आगे बढ़वाइएगा, वो दिन दूर नहीं है जब ये सपना आपका बहुत जल्दी साकार होगा। इस हिंदू धर्म को हमको छोड़ देना चाहिए, जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। जिस सरकार के अम्ब्रेला के अंदर हैं, उन्होंने सब जातियों को हिंदू धर्म से ढक दिया है। सभ्य पापर से कर्णन कुशल से उपसंपदा सचित्त परियोदपन एतान बुद्धान शासन। कुशल कर्मों का करना, बुरे कर्मों का नहीं करना और चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अगर ये मनोभाव हम सभी का बन जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो आज ये हम एक आयोजन कर रहे हैं, इसमें देर नहीं लगेगी एक रूप होने में। केवल मनोभाव परिवर्तन की है। आज इतने संगठन यहां आए हुए हैं, सुबह से भाषण चल रहा है, जरा एक बार सोच के देखिएगा कि हम कह क्या रहे हैं और कहना क्या है, जा कहां रहे हैं और जाना कहां है। एक बार भी हमने समस्या पे बहुत बात की है, समाधान पे बात की है क्या? कमाल की बात हो रही है भाई। आज ये कार्यक्रम सजाया गया समाधान के लिए और बात हम हर आदमी अपनी समस्या की कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, सारे संगठन मौजूद हैं। जब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं, सब जानते हैं, जब गांव में एक छप्पर बनता है और वो कहीं ना कहीं धर्मशाला पे रखा जाए, पंचायत घर पे रखा जाए, तो आसपास के सभी लोगों को बुला करके हाथ लगवा के उठवा के रखा जाता है। क्या कोई मेहनताना मांगता है? क्या कोई इनकार करता है? क्या उसमें सहयोग की भावना नहीं होती है? यही क्रम यहां हो रहा है, यही हमें करना है। ये आज कार्यक्रम सजाया गया है, सारे संगठन हैं, 100 वर्ष हो चुके हैं। हर आदमी अपने से ये सवाल करके तो देखे कि मैंने क्या किया इन 100 सालों में। जितने मेरी उम्र है, जब से मुझे होश संभाला है, मैंने क्या किया है? उत्तर अंदर से खुद पे खुद मिलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जब उत्तर मिले, अगर आपको ये लगे कि ईमानदारी से आपने काम किया है तो आगे बढ़िएगा। अगर उत्तर ये मिले कि आपने ठीक से काम नहीं किया तो ठीक से काम करने लग जाइएगा। हाथ पकड़िए, आगे बढ़वाइएगा, वो दिन दूर नहीं है जब ये सपना आपका बहुत जल्दी साकार होगा। लेकिन बात वही है कि जब तक हमारे अंदर से अहंकार नहीं खत्म होगा, जब तक बुद्ध की वाणी तथागत बुद्ध के वचन हमारे आचरण में नहीं उतरेंगे, तो किसी भी सूरत में हम एकाकार नहीं हो सकते, कितना जोर लगा लो। हम की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हर संगठन का आदमी आकर के मैं की बात कर रहा है, सबने किया है ऐसे ही, आग पीछे भी कि आगे भी किया है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। बाबा साहब ने कहा था कि यह पूरा बहुजन समाज, यह पूरा बहिष्कृत समाज, ये पूरा अछूत समाज एक त्रिवेणी में बह गया है। कौन सी त्रिवेणी बताई थी? उन्होंने बताई थी अज्ञानता की, उन्होंने बताई थी दुर्बलता की, उन्होंने बताई थी एक गरीबी की, कमजोरी की। अब आप सोच के देखिए, क्या हमने कभी इन पे मंथन किया है? नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? सारी चीज आपके सामने है। बाबा साहब ने एक चीज अपने साहित्य में लिखी है, क्या हमने पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है वो अपने में व्यक्तिगत होकर रह गए हैं। जन जन में जगाने की जरूरत है। आज हम यही 104-105 वर्ष हो गए हैं, आज हम वही संकल्प लेकर के मन में जाएंगे कि आज से बाबा साहेब के उसी संकल्प पे आज से हम व्यक्तिगत तौर पे समाज के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, एक यूनाइट होकर के एक संगठन के लिए काम करेंगे। अपना संगठन चाहे आप जैसे चलाएं, जैसे काम करें, लेकिन उसका पूरा मनोभाव, उसका लक्ष्य केवल हमारा एक होगा, समता का। और मैंने पिछले कार्यक्रम में सुझाया था, मेरी बात को उस दिन अदरवाइज थोड़ा लिया गया था, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन आपका है। जब तक लक्ष्य एक नहीं होगा, आपकी दिशा एक नहीं हो सकती।
हम कितनी दूर चले महत्वपूर्ण नहीं है, सही दिशा में कितना चले ये महत्वपूर्ण है। इसलिए समझने की जरूरत है, भाषण का वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा कहने का नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, किसी को बात बुरी लगी हो, कहने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा है, पर मैं क्षमा चाहूंगा। सभी को नमोवधाय, जय भीम। आज के इस प्रोग्राम में जो पैगाम की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस सी सुब्रैया जी और उनके साथ और जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उन और आप सब लोग इधर आए हुए हैं, मौसम अनुकूल नहीं है, फिर भी आप इधर पहुंचे हैं, ये आपकी निष्ठा का प्रतीक है कि हमने कहां जाना है। बाबा फरीद जी लिखते हैं, गलिये चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे नियो, अपने प्रेमी के पास जाना है, प्रेमी के साथ मोहब्बत है, लेकिन वर्षा हो रही है, मी पड़ रहा है और गलियों में कीचड़ है, कैसे जाएं। फरीदा गलिये चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे नियो, चला तो भिजे कंबली रहा तो टूटे नियो, एक ही कंबली है और चलूंगा तो मर्चा में भीग जाएगी, सर्दी बहुत लगेगी, लेकिन अगर मैं नहीं चला इधर रह गया तब मेरा मुर्शिद उस्ताद है उसके साथ जो प्रेम है मोहब्बत है वो टूट जाएगी। मैं वैदा पूर्ति का मतलब नमूना नहीं रहूंगा। तो फिर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि जो सीजो कंबली अल्लो बरसे म्यो, जाए मिला तिना सजना मेरा टूटे ना ही नियो। हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा किए बगैर हम जीवन के मनोरथ को समझ नहीं सकते। इंसान ने मरना और इंसान मरता नहीं है, इंसान तब मरता है जब उसकी जमीर मर जाती है। हमने जमीर नू मरने नहीं देना, जिनकी जमीर साबित सूरत है वो रहती दुनिया तक इधर रहेंगे, इंसान आते जाते रहेंगे और वो उनकी पूजा उनकी उस्तत और उनका प्यार मोहब्बत करते रहेंगे। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो झूठे लोग होते हैं, झूठों की महफल में सच्चे लोगों की कदर नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमने इंसानियत की कदर करानी है तो सच्चे सुच्चे लोगों के साथ सिर जोड़ना पड़ेगा। और ये भी बात समझनी है, इतना सच ना बोल के इकल्ला ही रह जावे, चार बंदे रख लेना कंधा देने लिखे लिए, ऐसा ना हुए कि आखिर में आरती को हाथ लगाने वाला भी कोई ना बचे।
सत्य बोलना है, लेकिन सत्य उतना बोलना है जितना दूसरे लोगों को समझ आ जाए। ये बहुत जरूरी चीज है कि हमने समझना क्या, हमारी जीवन की जो मकसद है, मनोरथ है, वो क्या है। हों तिस कोल कुमाया, भाई गुरदास जी कहते हैं, हों तिस कोल कुमाया गुरमुख हृदय गरीबी आवे। गरीबी का मतलब पावर्टी नहीं, गरीबी का मतलब है अपने मन में होंबे निकल जाए, अपने मन में इंसानियत का विचार पैदा हो जाए। मैं उनका सत्कार करता हूं, मैं उनको जीवन में ढूंढ रहा हूं, किनको? गुरमुख हृदय गरीबी आवे। दूसरी बात, हों तिस कोल कमाई पर नारी के निकट ना जावे। पर नारी के निकट ना जावे इसका मतलब मामा तिया भेणा जाने, पराई औरत नू जा माव तो जाने, जा भेण समझे, जा पुत्री समझे उसकी उम्र के मुताबिक। जिन लोगों ने इस देश में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय को पैरा देना है, इस्टेब्लिश करना है, उनके लिए ये जरूरी है। और अगली बात, हों तिस कोल कमाया पर दरबे को हाथ न लावे। दूसरे की दौलत जो है, दूसरे जो धन माल है, उसके ऊपर मैली नजर ना रखे, अपनी कमाई करे। हक हलाल की कमाई के ऊपर चलना है। और तीसरे अगली बात जो है, पर निंदा सुन आप हटावे। जहां दूसरे लोग किसी की चुगली निंदा कर रहे हैं, उस जगह से आप उठ के चले जाए। दूसरे की निंदा ना करनी है, ना सुननी है। और इससे आगे अपने सतगुर का उपदेश कमावे, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने बताया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फूले, पेरियार और उनके साथ और महान शख्सियतें हैं, जो कुछ उन्होंने बताया है उसके ऊपर अमल करना है। और उसके ऊपर अमल करते करते फिर जो उन्होंने बताया है उसके ऊपर पैरा भी देना है। और इसके साथ आगे क्या करना है, थोड़ा समय थोड़ा ही खाए, सोना भी थोड़ा है, खाना भी थोड़ा है। इस दुनिया ऊपर खाने के लिए नहीं आए, या दुनिया ऊपर सोने के लिए नहीं आए, दुनिया के ऊपर जो हमें श्वास दिया है अकाल पुरख ने, वो हर श्वास श्वास इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करना है। जे कोई भूखा है, आप अपना खाना छोड़कर पहले उसको देना है, फिर खाना है। ये अपने अंदर स्पिरिट पैदा करनी है। और ऐसे गुरमुख, ऐसे प्रेमी, ऐसे इंसान पैदा करने वाले लोग जो हैं, वो ही असलियत में सच्चे इंसान हो सकते हैं। हमने सच्चे इंसान बनना है। और सच्चे इंसान बनने के लिए ये जो वर्षा है, ये हमारा हौसला तोड़ नहीं सकती।
ये धूप जो है ये हमारा हौसला तोड़ नहीं सकती। हम तो खंडे की धार के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हमने मुकाबला करना है अन्याय के साथ, और अन्याय के साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार पर तैयार रखना है। और वो कार्य आप सब लोग कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी जब वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, उस वातावरण में हमने अपने आप को कैसे, अपने साथियों को हौसला अफजाई करनी है और उनको ये बताना है कि हुण समा बहुत नजदीक आ गया है। समा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उस समय का जितनी देर तक हम सदुपयोग करना चालू कर जाएंगे, सदुपयोग करना सीख जाएंगे, फिर समा हमारा सहयोग करेगा। और इस सहयोग के साथ हम सब एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे, और एक दूसरे के सहयोगी होकर इस देश में ऐसा वातावरण निर्माण कर देंगे जहां भ्रातृभाव पैदा हो जाएगा। धन्यवाद। मैं यहां कहना चाहता हूं कि देखिए आज का दिन कितना महान दिन है। बाबा साहब के उस एक संकल्प से कितना बड़ा रिजल्ट हम लोगों के सामने आया। वो रिजल्ट क्या था? एक हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन की वजह से आज हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अगर वो बाबा साहब का वो संकल्प न होता और बाबा साहब उस रिवॉल्यूशन को हमारे समाज के अंदर नहीं लाते, तो आज हम इस स्थिति में नहीं बैठे होते। और उसका बड़ा जो रिजल्ट हमारे सामने, हमारे देश का जो संविधान है, आज शायद वो संविधान ही एक बहुत बड़ा आउटकम है जो हमें बहुत सारे प्रोटेक्शन, बहुत सारे राइट्स, बहुत सारी चीज़ें हमको देता है और सम्मान भी देता है जिस समाज में हम लोग वंचित थे। दूसरी बात मैं समानता की कहता हूँ। यहाँ बहुत सारे वक्ता कहते हैं भाई हमको एक होना है, हमको एक बनना है, लेकिन सवाल यह है कि हम एक होंगे कैसे। मैं कई और मीटिंगों में बोलता हूँ कि जब हम बहुजन का नाम लेते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कहने को हम लोग बहुजन हैं, लेकिन हम कभी बहुजन बने नहीं। अब सवाल यह है कि बहुजन बनने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो दो ही हैं कि भाई या तो इस हिंदू धर्म को हमको छोड़ देना चाहिए, जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे कि हम लोग के अंदर एक एकीकरण हो। सो फार हम जब तक हिंदू धर्म के अम्ब्रेला के अंडर रहेंगे हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जाति एक ऐसी कटु सत्य है, हमारे दिमाग में इतनी कूट कूट कर भरी हुई है, हम इससे ऊपर नहीं निकल पाते। अगर जातियों से भी आपको अगर ऊपर उठना है तो इसका एक ही तरीका है, क्योंकि आज हमारे आयोजकों ने जो ये जो सिनर्जी वाला जो टॉपिक रखा है, अब क्वेश्चन ये है कि सिनर्जी आए कैसे। मैं कहता हूं आप अपनी जातियों में बने रहिए, लेकिन हिंदू धर्म में मत बनिए। अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से घर जाके विचार करिए, जब तक हिंदू धर्म हावी नहीं था हमारे लोगों के ऊपर, तब तक हमारी डिफरेंट टाइप की सरकारें बन रही थी। क्योंकि आज जिस सरकार के अम्ब्रेला के अंदर हैं, उन्होंने सब जातियों को हिंदू धर्म से ढक दिया है, और उस हिंदू धर्म के कारण आज हम लोग इतने बंध चुके हैं। हमारा दो ही एक लोग, मैं कई बार लोगों से बात करता हूं, आज उन्होंने दो ही चीज बना दी है, धर्म, एक हिंदू और एक मुसलमान। आज कई अनपढ़ हमारे बहुजन भाइयों से भी बात करते हैं, कई बार वो भी लोग कहते हैं यार मुसलमानों को तो दबा के रखना है, मुसलमान क्यों आगे आए।
अरे यार ये तो अच्छा कर रही है, मतलब हमारी ये सरकार जो है, बस इसी चीजों पर विचार करना है हमें। देखिए जातियों को भी रखना है, जातियां जाएंगी नहीं। तो मैं एक चीज जानता हूं कि जो हमारे बाबा साहब ने जो हमारा संविधान दिया है, आप अपनी जातियों को रखिए, लेकिन आप एक अपना एक कॉमन विजन डेवलप करिए। मैं खासकर यहाँ पे आए हुए हमारे जितने भी संगठन आए हुए हैं, वो एक कॉमन विजन डेवलप करें और दूसरों से इंटरलिंक करें। आप जातियों में बने रहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए आप अछूती हैं, चाहे आप कोई भी जाति के लोग हैं, आप अपर कास्ट के लिए हमेशा अछूत में रहेंगे। आपको कभी भी आपका हक नहीं मिल पाएगा। आपका हक तभी मिल पाएगा आपका विजन जब एक होगा, और इसकी सिनर्जी एक कॉमन गोल बनाइए और दूसरे से एक दूसरे से इंटरेक्ट करिए। और तीसरी बात है कि ये जो आज जो सम्मेलन हो रहा है सिनर्जी का, इसको हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल तक जाना है। इवन अगर पॉसिबल है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं एक रूरल एरिया तक ले जाएं, जिससे कि हमारे स्पेशली गांव के लोगों का ब्रेन वॉश हो सके और इसको हम लोग उन लोगों को समझा सके। मुझे लगता है तभी हमारे अंदर ये समानता की भावना हम पैदा करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।